करीना कपूर की ननद सबा ने तैमूर अली खान और जे की एक अनमोल तस्वीर शेयर की है जो उनके भाईचारे के बारे में बहुत कुछ बताती है। इस तस्वीर में आप देख सकती हैं कि भाई तैमूर अपने छोटे भाई को अपनी गोद में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जे तैमूर की कोशिश को देखकर बहुत ही क्यूट सा रिएक्शन दे रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सबा ने कैप्शन में लिखा था, सिबलिंग्स डू बिग ब्रदर प्रोटेक्ट #टिमटिम स्मॉल ब्रदर रैप #जेजान यंगर वंस आर ऑलवेज प्लेइंग अराउंड दैट्स व्हाई वी हैव अ प्रोटेक्टिव ओल्डर भाईजान। इससे पहले करीना कपूर ने अपनी शूटिंग के सेट से एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की थी जहां पर आप देख सकती हैं कि करीना कपूर शॉट के लिए रेडी हो रही है तो दूसरी तरफ उनकी कंपनी दे रही है उनके छोटे बेटे जे। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था, डबल वामी गेटिंग रेडी विद द बेस्ट मैन फॉर कंपनी डे 4 कालिंपोंग #डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स। मदर्स डे के मौके पर करीना कपूर ने अपने दो बेटों के साथ एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है और साथ ही में उन्होंने सभी को मदर्स डे की बधाई दी है। ये तस्वीर करीना कपूर की मालदीव वेकेशन की है जहाँ पे करीना कपूर अपने दो बेटों के साथ बहुत ही इंजॉय करते हुए दिख रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ माई लाइफ हैप्पी मदर्स डे। इससे पहले करीना कपूर ने ईद के मौके पर एक प्यारी सी फैमिली तस्वीर शेयर की थी जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था, ईद मुबारक फ्रॉम द फैमिली दैट इज ऑलवेज ट्राइंग टू टेक द परफेक्ट पिक्चर बट नेवर हैज। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस करीना ने तलाकशुदा एक्टर सैफ अली खान को कई सालों तक डेट करने के बाद साल 2012 में शादी रचाई थी। शादी के 4 साल बाद करीना ने अपने बड़े बेटे तैमूर अली खान का स्वागत किया था। तैमूर जन्म के बाद से ही सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए थे। इसके बाद फरवरी 2021 में करीना ने अपने दूसरे बेबी जहांगीर को जन्म दिया था। करीना अपने दोनों बच्चों पर प्यार लुटाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती है। वैसे आप लोगों को करीना की द्वारा शेयर की गई ये प्यारी तस्वीरें कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।